140 किलोमीटर के आसपास यहाँ से अमरोहा की दूरी होगी। दिल्ली से अमरोहा की दूरी 140 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन उस ज़मीन पे ऐसे खिलाड़ी ने जन्म लिया है जो इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ, पूरी दुनिया में एक मिसाल बना हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त उसका नाम ले रही है। ट्विटर देखो, फेसबुक देखो, सोशल मीडिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ भी देखो एक ही नाम है, वो है अमरोहा का लाल मोहम्मद शमी, उत्तर प्रदेश का लाल मोहम्मद शमी, जिसने कोलकाता से खेला है। उसके बाद जब नेशनल टीम में आता है तो उतार चढ़ाव का शिकार होता बंदा। वो बंदा ऐसा है, कभी हार नहीं मानने वाला। तमाम तरह की मुश्किलात उस खिलाड़ी के ज़िंदगी में आई, बहुत सारी निजी परेशानियों से लेकर तमाम तरह के उसने ताने भी सुने, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन कभी उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं। उसने हमको, आपको, तमाम लोगों को ये बता दिया, गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। आपने देखा जिस तरह से सेमीफाइनल मुकाबले में उसने गेंदबाजी की, उसने एक नई तारीख भारतीय क्रिकेट में जोड़ दी है। कोई भी खिलाड़ी ये कारनामा अंजाम नहीं दिया। एक दूसरी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत की तरफ से सबसे किफ़ायती गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज बन गया। पहली मरतबा किसी खिलाड़ी ने भारत के 7 विकेट एक दूसरी अंतर्राष्ट्रीय मैच में लिए, और पहला ही खिलाड़ी जिसने विश्व कप में ये कारनामा अंजाम दिया। मैं बताऊँगा भारत के उन तमाम खिलाड़ियों के बारे में जिसने एक दूसरी मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किया एक मुकाबले में, उस पर सबसे ऊपर नाम किसका था, मोहम्मद शमी का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाऊंगा लेकिन मोहम्मद शमी की बात करूंगा यहां पर। मोहम्मद शमी सबसे ऊपर भारत की तरफ से आते हैं। उसने 7 विकेट हासिल किए, 57 रन खर्च के, 9.5 ओवर की गेंदबाजी की उसने एक एडिशन की एक मुकाबले में। अगर हम एडिशन वाइज जाएं, जैसा 57 रन बनाते, दूसरे नंबर पर कौन सा खिलाड़ी रहता है, दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है स्टुअर्ट बिन्नी, जिसने 6 विकेट हासिल किए थे। मात्र 4 रन खर्च करते हुए उन्होंने ये कामयाबी हासिल की थी। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने मीरपुर में 2014 में यह कारनामा अंजाम देते। तीसरे नंबर पर कौन सा खिलाड़ी, वो खिलाड़ी है भारत का अनिल कुंबले, जिसने इतिहास गढ़ा था पाकिस्तान खिलाफ। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में टेस्ट मैच में 10 विकेट हासिल किए थे, उसने यह कारनामा अंजाम दिया था। 6 विकेट उसने हासिल किया था और मात्र उसने 12 रन खर्च किए थे। वो मुकाबला खेला गया था वेस्टइंडीज़ के खिलाफ, कोलकाता में मैच खेला गया था, 1993 में यह मैच हुआ था। उसके बाद नंबर आता है जसप्रीत बुमराह का, जिसने 6 विकेट हासिल किए थे 19 रन खर्च करते हुए। ये मैच भारत ने खेला था किसके खिलाफ बता दूं आपको जल्दी, इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने मुकाबला खेला था, जहां जसप्रीत बुमराह ने ये कारनामा अंजाम देते हैं, 19 रन खर्च करते हुए 6 विकेट हासिल किया था। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज आपको याद होगा श्रीलंका में जिस तरह उसने गेंदबाजी की, कोलंबो में 21 रन खर्च करते हुए श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट हासिल किए थे। इसी साल 2023 की बात मैं कर रहा हूँ। ये वो भारत के खिलाड़ी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो खिलाड़ी जिसने इतिहास गढ़ा एक दूसरी मैच में। लेकिन मोहम्मद शमी ने जो कारनामा अंजाम दिया, मोहम्मद शमी ने जो उतार चढ़ाव देखते हुए कभी गिव अप नहीं किया, तमाम लोगों के लिए सीखने वाली बात है। तमाम लोग उसकी ज़िंदगी से सीख सकते हैं, उसके खेल से सीख सकते हैं। जब गेंद उसके हाथ में आती है, सामने वाले बल्लेबाज के पैर थरथराने लगते हैं, जिस तरह से वो गेंदें जिस उसकी मूव कर रही मूवमेंट, जिस तरह उसकी गेंदों में जिस तरह स्विंग उसकी गेंद कर रही है, यकीनन ये एक मिसाल बन गया। और तमाम जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो देखने वाले जो गेंदबाज हैं, जो आने वाले गेंदबाज, उससे सीख सकते हैं जिस तरह का वो खिलाड़ी, जिस तरह वो कारनामा अंजाम दे रहा है। दोस्तों इसी तरह का लगातार जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल मुझे शाहिद आज़मी को अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।